तो हम लोग तो बातचीत करने आए ही थे, आपको तो जो बातचीत हो गई पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? तो थोड़ा अगर कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से, उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही, आज फिर आ गए, आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक। मतलब अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेगी। देख लीजिए बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अभी इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उस उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते, जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे, आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको। लेकिन अडानी जी पर